हम न्यूट्राजेंस एंड इट्स टाइप्स के चैप्टर को डिटेल में समझेंगे इससे पहले हम ऑलरेडी जीन म्यूटेशन और मोलिकुलर बेसिस ऑफ़ जीन म्यूटेशन के चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में आज के वीडियो के लिए मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगी ऑल टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेजेस वाले वीडियो को इसको आप ज़रूर देखें आज की वीडियो के साथ इसका लिंक आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा सबसे पहले म्यूटर्जेंट्स की डेफ़िनेशन जान लेते हैं म्यूटर्जेंट्स जो हैं वो केमिकल फिज़िकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कि म्यूटेशन के होने की रेट को बढ़ा देते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स में वायरसेस या ट्रांसपोजिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं ये हमने जीन म्यूटेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया है फ़िज़िकल म्यूटर्जेंस में आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हो सकते हैं केमिकल म्यूटरजेंट्स में बेस एनालॉग डी एजेंट्स एल्काइलेटिंग एजेंट्स और इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं इसके अलावा भी कई केमिकल म्यूटरजेंट्स हैं तो आज के वीडियो में हम फिजिकल म्यूटरजेंट्स और केमिकल म्यूटरजेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले फिजिकल म्यूटरजें में रेडिएशंस को डिस्कस करते हैं ये रेडिएशन डीएनए में दो प्रकार से डैमेज कॉज करते हैं डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट में रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली डीएनए को डैमेज करती है और इनडायरेक्ट इफेक्ट में रेडिएशन जो है वो सेल के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज का फॉर्मेशन करते हैं जो कि डीएनए से इंटरैक्ट करके उनको डैमेज कर देते हैं सबसे पहले यूवी रेडिएशन एज अ म्यूटाजन हम डिस्कस करेंगे यू वी रेडिएशन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है और डी एन ए के अंदर डायमराइजेशन कॉज करता है इसके अलावा डायमराइजेशन के द्वारा ये डी एन ए में कई सारे फोटो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है टू सिक्सटी नैनोमीटर की यू वी सी जो स्पेक्ट्रम है उस वेव लेंथ को टू सिक्सटी एन एम की वेव लेंथ पे डी एन ए का एब्जॉर्बशन पीक है और इस वेव लेंथ को डी एन एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर डायमराइजेशन कॉज करता है यानी डायमराइजेशन को इंड्यूस करता है डायमराइजेशन में डीएनए में मौजूद एडजसेंट पिरीमिडिन बेसिस जो होते हैं यानी पास पास मौजूद पेरीमिडीन बेसिस जो कि साइटोसिन या थमीन हो सकते हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और वो पेरीमिडीन डायमर या साइक्लोब्यूटाइल डायमर का फॉर्मेशन करते हैं जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि एडजसेंट पोजिशन पर थाइमिन प्रेजेंट है तो यू लाइट की प्रेजेंस में ये फाइव और सिक्स पोजिशन पर प्रजेंट कार्बन एटम्स कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा साइक्लोब्यूटीन रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये साइक्लोब्यूटीन रिंग के फॉर्मेशन के द्वारा ही ये थाइमीन डायमर बन जाएगा अगर हम इसको डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे देखते हैं तो ये एडजेसेंट थाइमीन जो है वो आपस में डायमराइज हो जाते हैं अब क्योंकि ये जो हमारा डीएनए एन स्टैंड है जब ये रेप्लिकेशन करेगा और ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा तो ये वाले जो हमारे दोनों थाइमीन बेसिस हैं ये डॉटर स्टैंड में किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ पेयरिंग नहीं कर पाएंगे और ये डिलीशन म्यूटेशन कॉज करेंगे तो यूवी वी जो डायमरइजेशन है वो डिलीशन म्यूटेशन कॉज करता है थाइमिन डायमर्स मोस्ट कॉमन फॉर्म है इसके अलावा अदर पिरिमिडीन कॉम्बिनेशन भी हैं जो मैंने यहाँ मैंशन करे हैं प्यूरिन डायमर जो हैं वो लेस कॉमन है वो जनरली नहीं मिलते इसके अलावा यूवी इंड्यूस्ड फोटो प्रोडक्ट एक और है वो है सिक्स फोर लीजन इसमें डी एन ए में प्रेजेंट एडज जो पेरीमिडीन बेसिस हैं उनमें कार्बन फोर और कार्बन सिक्स पे जो प्रेजेंट कार्बन एटम्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं और सिक्स फोर लीजन का फॉर्मेशन करते हैं इसके अलावा यूवी रेडिएशन के द्वारा साइटोसिन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को अपने फाइव सिक्स डबल बॉन्ड की पोजीशन पे ऐड कर लेता है और साइटोसिन हाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है इन दोनों के ही के कारण जो हमारा साइटोसिन uh, का जो बिहेवियर है यानी जो बेस पेयरिंग है वो चेंज हो जाती है जिसके की वजह से म्यूटेशन कॉज होता है सिमिलरली इसमें भी क्योंकि लीजन का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो डिलीशन म्यूटेशन कॉज करता है इसके बाद हमारे आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्स रे और बीटा रे ये कॉज करते हैं पॉइंट म्यूटेशन इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन मेनली ये स्ट्रैंड ब्रेकेज कॉज करते हैं यानी डीएनए के स्ट्रैंड को ब्रेक कर देते हैं इनको कैलेस्ट्रोजेनिक फैक्टर भी कहा जाता है वो फैक्टर्स जो क्रोमोजोम को ब्रेक करते हैं और इसके द्वारा ये जीनोम के रेप्लिकेशन को प्रिवेंट या स्टॉप कर देते हैं ये तो इनका डायरेक्ट इफेक्ट था आयनाइजिंग रेडिएशन के इनडायरेक्ट इफेक्ट में वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज जैसे कि परऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं सेल के अंदर जो कि डीएनए से इंटरैक्ट करके उसको डैमेज करती है इसके अलावा फिजिकल एजेंट में हीट भी एक म्यूटाजेनिक एजेंट है जो कि जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है उसमें एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है वाटर की प्रेजेंस में और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ब्रेक होने से जो हमारा नाइट्रोजनस uh, बेस है वो जहाँ शुगर मॉइटी से ज, uh, जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है उसको वो ब्रेक कर देता है एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को जिसके के कारण जो प्यूरिन या पेरीमिडिन है बेस वहाँ से रिमूव हो जाता है तो ये जनरली ए प्योरिनिक या ए परिमिडिनिक साइट प्रोड्यूस करता है जिससे कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें एक गैप आ जाता है जनरली जो प्यूरस हैं वो ही रिमूव uh, होते हैं इन कंपैरिजन टू पेमिडीन्स और ये जो रिएक्शन है ये ज़्यादा म्यूटाजेनिक नहीं है इफ़ेक्ट क्योंकि इस एप्योरिनिक uh, साइट को रिपेयर करने के लिए सेल्स में इफ़ेक्टिव रिपेयर सिस्टम प्रेजेंट होता है जो इन निक्स को इनको कहते हैं निक्स इन निक्स को रिमूव कर देता है और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर देता है इसके बाद हम समझेंगे केमिकल म्यूटाजेंस को केमिकल प्यूटाजेंस में सबसे पहले है हमारा बेस एनालॉग्स बेस एनालॉग्स जो हैं वो केमिकल्स हैं वो बेसिस हैं जिनका की स्ट्रक्चर में जो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस से और ये ट्राईफॉस्फेट प्रिकर्सर की मदद से इनकॉरपोरेट हो जाते हैं डीएनए के अंदर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और इनको हम कहते हैं बेस एनालॉग्स इसका पहला एग्जाम्पल है फाइव ब्रोमो यूरोसिल या फाइव बी यू ये बेस एनालॉग है थाइमीन का थाइमीन जनरली हम जानते हैं वो कीटो फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वो एडनिन के साथ बेस पेयरिंग करता है पर इसका एक और फॉर्म है इनॉल फॉर्म जो कि इसका रेयर फॉर्म है इस फॉर्म में ये ग्वानी के साथ बेस पेयरिंग करता है लेकिन जो थायमीन का बेस एनालॉग है फाइव ब्रोमो यूरोसिल उसका जो कीटो फॉर्म है वो रेयर है और इनॉल फॉर्म उसका नॉर्मल फॉर्म है तो नॉर्मली जो फाइव ब्रोमो यूरिसल है वो गुआनिन के साथ बेस पेयरिंग करता है और इस बेस पेयरिंग के कारण वो क्या करता है हमारा ए से जी में ट्रांजिशंस कॉस करता है इसको हम समझते हैं जैसे ए और टी की बेस पेयरिंग हो रही थी और यहाँ बेस एनालॉग फाइव ब्रोमो यूरोसिल ऐड हो गया और क्योंकि ये इनॉल फॉर्म में जनरली प्रेजेंट रहता है तो रेप्लीकेशन के दौरान जब इसने टेम्पलेट की तरह एक्ट किया तो उसने गुआनिन के साथ बेस पेयरिंग कर ली और फिर जब गुआनिन ये वाला स्ट्रैंड एज ए टैम्पलेट एक्ट करेगा तो वो साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा तो इस प्रकार ये हमारा पॉइंट म्यूटेशन या सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन कॉज करता है सिमिलरली हमारा फाइव अम्यूनोप्यूरिन ये बेस एनालॉग है एडिनीन का और एडिनिन uh, जो है वो भी दो टोटोमेरिक फॉर्म में रहता है ये हमारा फाइव uh, ये जो टू अमीनो प्यूरिन है ये भी दो टोटोमेरिक फॉर्म में रहता है जिसमें कि अमीनो जो टोटोमर है वो थायमिन के साथ बेसपेयर करता है बट ये रेयर है और ये जो टू अमीनो प्यूरिन है जनरली इमिनो टोटोमरिक फॉर्म में रहता है तो ये बेसपेयरिंग करता है साइटोसिन के साथ तो यहाँ पे अगर एडिनिन की जगह टू अमीनोप्यूरिन एड हो गया तो वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करने लगेगा और ये टी से सी में ट्रांजिशंस को कॉज करेगा तो ये थे हमारे बेस एनालॉग्स। इसके बाद हम समझेंगे डीएमिनेटिंग एजेंट्स इसमें सबसे जो डीएमिनेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल है वो है नाइट्रस एसिड इसके अलावा सोडियम बाइसल्फेट भी एक डी एजेंट है जो सिर्फ साइटोसिन का डीएमिनेशन करता है डीएमिनेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं ये पॉइंट म्यूटेशन कॉज करते हैं जो हमारा तीन नाइट्रोजनस बेसिस हैं एडिनिन साइटोसिन तो और ग्वानीन इनमें में एक्जोसाइक्लिक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है थाइमीन में ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता तो ये जो तीन नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनमें से एक्जोसाइक्लिक अमीनो ग्रुप को ये रिमूव कर देते हैं एजेंट्स जिसके के कारण एडनिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हाइपोजेंथिन में जो कि फिर साइटोसिन से बेस पेयरिंग करने लगता है और साइटोसिन कन्वर्ट हो जाता है यूरोसल में जो कि एडनिन से बेस पेयरिंग करने लगता है गुआनिन भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है जैनथीन में बट वो जैनथीन भी जो स्टिल वो साइटोसिन से ही बेस पेयरिंग करता है डी एजेंट्स जो है वो मैंने जीन म्यूटेशन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वाले स्पेसिफिकली डी एजेंट्स को वहाँ से एक बार ज़रूर चेक करें इसके बाद आता है एल्काइलेटिंग एजेंट्स कई सारे केमिकल्स हैं जैसे इथाइल मीथेन सल्फोनेट ई जिसको हम नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस भी कहते हैं दूसरा है मिथाइल मीथेन सल्फोनेट तीसरा है नाइट्रोसो गुआनिडीन चौथा है डाई मिथाइल ट्राइसोमाइन ये जो केमिकल्स हैं ये जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें एल्काइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं और ये जो अल्काइलेशन का इफ़ेक्ट है ये डिपेंड करता है कि कौन सा एल्काइल ग्रुप ऐड हुआ है और उसकी क्या पोजीशन है सबसे पहले देखते हैं जैसे गुआनिन में जब ई एम एस की प्रेजेंस में वो ई सिक्स इथाइल गुआनिन फॉर्म कर देता है और ये जो गुआनिन है ये थायमिन के साथ फिर पेयर करने लगता है बजाय कि साइटोसिन के और इस प्रकार ये जी सी से एटी सब्सटीट्यूशन कॉज करता है सिमिलरली थमीन जो है वो ई एम एस की प्रेजेंस में ओ फोर इथाइल थाइमीन बनाता है जो कि एडिनीन की बजाय गुआनिन से पेयर करता है और फिर ये टी ए की बजाय सी जी में कन्वर्ट हो जाता है और सब्सटिट्यूशन कॉज करता है ये एल्कालेटिंग एजेंट्स का जो टॉपिक है ये आप मेरा जो ऑल टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेजेस वाला वीडियो है जो आई बटन पे क्लिक करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके बाद एक केमिकल है हाइड्रोक्सिल अमीन ये जीसी से एटी ट्रांजिशंस कॉज करता है ये क्या करता है ये साइटोसिन जो कि ग्वानीन से पेयर कर रहा होता है हाइड्रोक्सिल अमीन की प्रेजेंस में एन फोर हाइड्रोक्सी साइटोसिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो कंपाउंड है वो ग्वानी की बजाय एडिनिन से बेस पेयरिंग करने लगता है और इस एडिनिन से बेस पेयरिंग के कारण जो सी जी हमारा बेस था बेस पेयर था वो कन्वर्ट हो जाता है ए टी बेस पेयर में इसके अलावा हमारे जो केमिकल न्यूटर्जेंट्स हैं उनमें एक है इंटरकैलेटिंग एजेंट्स कई सारे केमिकल्स हैं जैसे प्रोफ्लेविन या एक्डीन ऑरेंज या इथीडियम ब्रोमाइड और एक केमिकल्स की क्लास है जिसको हम कहते हैं आईसीआर कंपाउंड्स जिसमें आईसीआर 170 और आईसीआर 191 आते हैं ये सारे ही इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर्स में इंसर्शन और डिलीशंस कॉज करते हैं यानी ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर का इंसर्शन कर सकते हैं या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर का डिलीशन भी कॉज कर सकते हैं सबसे पहले तो ये जो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं ये फ्लैट मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जो बेस पेयर्स हैं डबल हेलिक्स में उसके बीच में आसानी से घुस जाते हैं और उन बेस पेयर में स्लाइडली वो अनवाइंडिंग कर देते हैं और उनके बीच में जो एडजस्टेंट बेस पेयर्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस को स्लाइटली बढ़ा देते हैं जिसके के कारण इन, जो ईज़ीली uh, ये न्यू बेस पेयर को सिंगल बेस पेयर को इंसर्शन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कॉज कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा म्यूटन्स एंड इट्स टाइप्स का चैप्टर एंड होता है अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस और अगर आपको आज का वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक like शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर शिफाली माथुर आज के वीडियो में मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप जीन म्यूटेशन मोलिकुलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन और ऑल टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज स्पेसिफिकली ये वाला ये वाला वीडियो तो आप ज़रूर देखें इससे आप खुद ही कॉन्फिडेंस गेन करेंगे कि हाँ हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और ये हम समझते हैं ये जानते हैं कि एंड इट्स टाइप्स हम कैसे समझ सकते हैं